गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस पार्टी में ट्विटर के माध्यम से नीतियां तय हो रही हों, उस पार्टी का हाल क्या होगा, ये समझा जा सकता है। वीरप्पा मोइली और विवेक तनखा कह रहे हैं कि बागी नहीं बदलाव के पक्ष में हैं। कपिल सिब्बल कह रहे हैं उनके लिए देश पहले है। कांग्रेस में समझ नहीं आ रहा कौन क्या कह रहा है। उन्होंने कहा या तो कांग्रेस गांधी विहीन हो रही है या फिर कांग्रेस विहीन भारत हो रहा है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस में गांधी परिवार को लेकर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस गांधी विहीन हो रही है। कांग्रेस पार्टी के नेता अलग अलग बातें करते हैं। कोई कहता है देश हित की बात कर रहे हैं, कोई कहता है वे बागी नहीं बदलाव चाहते हैं। नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस के पोल खोल अभियान पर भी निशाना साधा और कहा कांग्रेस जनता के बीच जाए तो सही, आंकलन समझ में आ जाएगा। उन्होंने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री गोविंद सिंह को लेकर कहा कि कांग्रेस में उनकी उपेक्षा की जा रही है, कांग्रेस हमेशा उनका उपयोग करती है, वे उनके बड़े भाई हैं, उनके साथ उनकी सहानुभूति है। उन्होंने राजगढ़ के जवान मनीष कारपेंटर के शहीद होने पर दुख जताया और परिवार को 1 करोड़ की सहायता राशि देने की बात कही। विवेक तनखा और वीरप्पा मोइली जी कह रहे हैं कि बागी नहीं है, हम बदलाव के पक्षधर हैं। कपिल सिब्बल जी बोल रहे हैं कि उनके लिए देश पहले है। अब समझ में ही नहीं आ रहा कौन क्या कह रहा है और कांग्रेस कहां जा रही है। मैं जो अंदाज से कहते हैं कि जीना होगा, जहर भी देते हैं तो कहते हैं पीना होगा, और जहर जब पीते हैं तो कहते हैं मरना भी नहीं, और जब मरते हैं तो कहते हैं जीना होगा। ये स्थिति कमोबेश कांग्रेस की हो गई है। ट्विटर के माध्यम से सरकार की नीतियां तय होने लगे हैं, उस पार्टी का हश्र क्या होगा ये समझ से परे है। लगता है या तो गांधी विहीन कांग्रेस हुई जा रही है या कांग्रेस विहीन भारत हुआ जा रहा है। गोविंद सिंह जी मेरे बड़े भाई हैं, मेरे मित्र हैं, और उनकी उपेक्षा कांग्रेस में सदैव से होती रही। जब विभाग देने की बारी आई तो दौड़ के लाहौर से आए, बाद में अड़े और लड़े, तब जीएडी आया था। अभी नेता प्रतिपक्ष पर नाम चला दिया, बुला लिया, इस बार तो लड़े और अड़े दोनों से काम नहीं चला। ये इनका सिर्फ उपयोग करते हैं। यूज एंड थ्रो की स्थिति कांग्रेस ने सदैव से रखी है। मेरी पूरी सहानुभूति गोविंद सिंह जी के साथ है। नहीं होना चाहिए, संयमित भाषा हो, राजनीति के अंदर सार्वजनिक जीवन जीते हैं, यही कह सकता हूँ, मेरे बड़े भाई हैं। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development. With focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।